सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं। ये धो गया ये धो गया अभी आपने सुना है ना कंप्यूटर हां हो जाएगा पड़ेगा जो लोग घर का ओवर प्रमाण हां बाकी दो दो दिन में बच्चे चार चार करने लगे जो आने आते दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का दो संख्याओं के मध्य या बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के दो विधियां मैंने पिछली बार बताई थी। उसमें पहली विधि जो है विधि फर्स्ट जो है मतलब वो यह है कि दो संख्याएं जो दी गई है उन दो संख्याओं को जोड़ के लोग भाग देंगे तो उसके मध्य में जो मान आएगा वह उसकी परिमेय संख्या का योग माना दो संख्या दो गुणा आर व एस है तो सूत्र अनुसार सूत्र के अनुसार आर प्लस एस और टू परिमेय संख्या को दर्शाता है। इस विधि का अर्थ ये कि दो संख्याएं जो हमें दी गई है उसमें हमें दो पूर्णांक संख्या आर और एस जिस तरह दी गई है दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हम सीखेंगे। आप इसमें माना कि दो पूर्णांक संख्या आर और एस हमें दी गई है तो उसका जो सूत्र बनता है वो सूत्र के अनुसार आर और एस जो दो संख्याएं हैं उन दोनों को जोड़ना है आर प्लस एस को टू जो दो संख्याएं हमें दी गई है उनको जोड़ के दो का भाग देंगे तो वह संख्या का मान परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा यह दर्शाया जाएगा। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का समारोह के लिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक जो हमारा है उदाहरण एक एक और दो के मध्य परिमेय संख्या है ज्ञात कीजिए। पांच परिमेय संख्या है ज्ञात एक और दो के मध्य एक और दो के मध्य पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है दो संख्याएं जो हमें दी गई है उनका योग करना है। बार बार जो दो संख्या आती जाएगी संख्या रेखा पर उनको जोड़ते हुए दो का भाग देना है। तो हमारा पहला परिमेय संख्या के लिए पूरी परिमेय संख्या के लिए
पहले हमने संख्या दे रखी एक और दो, एक और दो के बीच हमें पांच परिमेय संख्या निकालनी है। निकालनी है पांच परिमेय संख्या। पहली संख्या निकालने के लिए, पहली परिमेय संख्या के लिए सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार r plus a square को 2, पहली परिमेय संख्या आएगी a plus 2 upon 2 बराबर 3 upon 2, 3 upon 2 पहला आपका परिमेय संख्या का मान यहाँ प्राप्त होगा, तो पहली परिमेय संख्या क्या थी 3 upon 2। इसी तरह से हमने पहला संख्या जो दे रखी थी सवाल में वो दो संख्या थी, एक और दो के मध्य में पांच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उसके अनुसार सूत्र हमारे सामने है कि r और एस जो दो संख्या है उनको योग करके दो का भाग देना है। तो दो संख्या हमारे सामने है एक और दो, तो पहला परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र के अनुसार आर प्लस एस जो हमारे पास पहली संख्या एक और दूसरी संख्या दो है, एक प्लस दो बराबर अब दो, अर्थात पहली परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई 3/2। इसी प्रकार हमारे सामने अब संख्या रेखा पर कुल तीन संख्या हो गई एक 3/2 और 2। अब हमें इनके बीच में और संख्या परिमेय संख्या क्या करनी है इसी सूत्र के अनुसार। तो हमारे सामने पहले परिमेय संख्या के लिए हमने क्या किया, दो संख्याएं जो दी गई थी उनको थोड़ा होगा भाग दिया। अब हमारे सामने ये संख्या आ गई, तो ये संख्या इस संख्या रहेगा और तीसरी संख्या हो गई, तो अब एक और तीन मान दो इन दोनों को जोड़ के तो अब भाग देंगे तो इनके बीच में और परिमेय संख्या प्राप्त होगी। फिर आप इन दोनों संख्याओं को 3/2 और 2 जो प्राप्त है इनके बीच में भाग करोगे। हम आगे इसको तो करेंगे, पहली परिमेय संख्या जो हमने ज्ञात की यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ये नोट कर लें। अब इसमें मैंने कुल पांच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, पहली परिमेय संख्या हमारे सामने प्राप्त हुई 3/2। पहली परिमेय संख्या है 1+2/2, 1/2 जो हमने बताया 3/3/2 हमारे पास पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यह आप ध्यान देख रहे हैं, अब आपको अब अगली परिमेय संख्या के लिए इसी प्रकार हेलो अभी क्लास ऑनलाइन चल रही है क्या ध्यान नहीं अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा अभी मेरी क्लास से बाद में बात करूंगा बिजी सारा खत्म कर दो
अगली दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए अगली परिमेय संख्या के लिए इसी तरह से हम दूसरा प्रयोग करेंगे। हमें पहली परिमेय संख्या प्राप्त होती तीन बटा दो। अब हमें एक और तीन बटा दो जो संख्या दी गई इनको दोनों जोड़ना है, एक प्लस तीन बटा दो अपॉन दो। यहाँ पर जोड़ने पर हमें ये संख्या पूर्ण संख्या करिए प्राप्त संख्या देखिए पूर्ण देखिए तीन बटा दो हमें एक पहले से परिमेय संख्या दी। तो परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए हमें इसमें एक दीजिए एक दर्शाना है कि एक संख्या है होगी एक परिमेय संख्या के रूप में या भिन्न संख्या के रूप में बदल जाए। अब ये संख्या हम एक समान हो गई, ये भी भिन्न संख्या ये भी तो पहले एक भिन्न संख्या को दोनों जोड़ते एलसीएम लेते पहले इन दोनों भिन्न संख्याओं को एलसीएम निकालकर हम जोड़ते हैं। लस निकालते तो एक और दो उदाहरण में मान है तो इनका लस का मान जो एलसीएम का मान है वो कितना आता है दो। तो हमें सबसे पहले दो एलसीएम निकालना है, एक और दो का हर का मान इस पर मैं एलसीएम प्राप्त हुआ दो हुआ, एक का दो पे भाग देंगे तो एक का भाग दो में तो बचे दो बच जाएगा, फिर गुणा का भाग पर दो का एक से गुणा करते दो एक तो दो इसे चार हो जाएगा मान प्राप्त हुआ। दो का दो में गुणा भाग देंगे तो दो का दो में भाग होते एक बार भाग हुआ जाता है, भाग बल जो एक है उसका गुणा होते अंश संख्या तीन से किया जाता है तीन एक और तीन में गुणा होता है, नीचे वाला जो मान है दो और ऐसा ऐसा ही रखा जाता है। इसी के साथ आगे अब हमको ये संख्या एक संख्या के रूप में बदल गई, दो और तीन हो गए पांच, दो और तीन को दो में पांच है तो दो, ये हमारा अंश का मान जो है पांच हम दो को प्राप्त हुआ तो हर का मान ऐसे ही दो है। तो आप इस दो को देखेंगे तो दो एक सिंगल संख्या है जो पूर्णांक का भागक हो पूर्णांक हो पूर्ण संख्या हो सकती है, इसमें हम देखें दो तीन से क्या होता है एक, जब भी कोई संख्या है तो उसमें से एक किया जा सकता है। इसका एक कारण है कि इसको उसी अंश के रूप में बटे में या भिन्न संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए हमने दो तीन से एक लगा दिया तो ये दो बने भिन्न संख्या के रूप में हो गई। और दो समान संख्या का जब हम भिन्न का भिन्न भाग करें तो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर की तरफ जाकर गुणे के रूप में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रकार हमें दूसरी संख्या के लिए पांच बटा दो जो अंश दिया हुआ है उसी में दो को एक को ऊपर मैंने अपसंकलन करते हैं तो दो को एक ही एक को दो हो जाता है और बाकी के चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपसंकलन किया जाता है तो चिन्ह बदलते हैं, जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की रहती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की रहती है, और जो बाद में होती है वो गुणे के रूप में रहती है और जो गुणे के रूप में वो बाद के रूप में रहती है। तो ये आपके सामने दो बड़ा है बाद पर बाद दे रहा है इसलिए ये वाला है तो मैंने किया।
संख्या हमने प्राप्त की तीव्रा, दूसरी संख्या प्राप्त की हमने मात्रा दो। इसी प्रकार एक और दो के बीच में प्राप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बारी बारी से जो प्राप्त संख्या होती जा रही है इनके बीच हमको संख्या कर लो, उन दोनों जोड़ के दो का भाग दिया है। अब आप बताओ तीसरी की संख्या मुझे आपको समझ में आ गई। अब तीसरी की संख्या देखिए हम यही तरीका अपनाएंगे, देखिए संख्याओं को जिन दो संख्याओं का चयन करेंगे उन्हीं को जोड़ना है। सबसे पहले तीसरी बड़ी संख्या के लिए, तीसरी बड़ी संख्या के लिए हम एक प्लस पांच को दो, या फिर एक प्लस के लिए हम दो प्लस तीन बड़ा दो कर सकते हैं। हमारी चॉइस के अंदर हम जिन दो संख्याओं को जोड़ा जाते हैं उनको जोड़ देते हैं, तो जब वो एक दो के बीच में ही परिवर्तित जाता है तो इनके बीच जितनी संख्या आएगी हम उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ जाएंगे और दो का भाग हो जाएगा। ये हमारी पहली नीति है, इसमें दो प्लस तीन बड़ा दो संख्या है, हम अब इनके बीच में संख्या निकालेंगे तीन बड़ा दो और दो बड़ा तीन, इनके बीच में संख्या निकालेंगे तो दो के नीचे एक लिख के हम वापस यहाँ ऐसे करेंगे, तो दो और एक का एलसीएम कितना है दो आया। इस प्रकार ये दोनों भिन्न संख्या हुई, एलसीएम दो और एक का एलसीएम दो आया, एक का भाग दो में देने पर दो भाग दो का दो जोड़ दे तो चार। इसी प्रकार से आगे अगली बार एक भिन्न संख्या का हल क्या है, तो उसका भाग एलसीएम में देने दो का भाग दो से एक बार आता है, एक भाग का ऊपर तीन जोड़ देते तीन एक और नीचे वाला जो हमारे ऐसा के तरीका। इसी प्रकार चार प्लस तीन कितना हो गया सात, और ये सब विक्रमण पद मतलब उल्टा करना रहेगा, दो को एक के लिए एक को दो करना रहेगा, अंश हमारा क्या है सात का दो और हर क्रमांक दो को एक के लिए एक को दो करना रहेगा। तो हम अब आप देखते हो अंश सात से गुणा और हर का अंश गुणा के आता है, तो ऊपर अंश में कितनी संख्या सात, सात का एक समान सात करो और दो का दो 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 सात, ये हमारी तीसरी बड़ी हर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट
फिर पांचवी का देखते हैं तो धन मान लेते हैं तो उनको जोड़ देते होगा बात के आसानी से हमारी अगली प्रेम कर गए आपको हो जाएगा। देखिए अब आगे प्रेम कर अगली प्रेम संख्या के लिए चौथी प्रेम संख्या के लिए अपने कभी आने जाने
जी यहाँ लास्ट पोजिशन क्या है वो निकालने के बाद हम कल इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे। लास्ट इसका पांचवी कड़ी में संख्या ज्ञात करनी है, तो पांचवी कड़ी में संख्या के लिए कोई भी उनमें से दो संख्याओं का चयन करें और दोनों को जोड़ दें। इधर क्या दो सात में चार को जोड़ते हैं, दो सात में चार का मतलब अपने पांचवी कड़ी की संख्या के लिए और कल हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।